हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका भाई फिर से आ चुका है नए ब्लॉग के साथ। और आज का जो है ब्लॉग हमारे पे जो बनेगा वो है डीप फ्रीज के बारे में बनेगा, ठीक है, डीप फ्रीज के सेटिंग के बारे में। तो आप लोग जो है चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर ले नए व्यूअर के लिए, और पुराने व्यूअर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं सही गलत कुछ भी, और जो भी इंफॉर्मेट भी फिर वीडियो चाहिए आपको, हम आपको रिवील करेंगे और बताएंगे, ठीक है। जितना कोशिश होगा कि हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो आप कमेंट करोगे उसका मैं वीडियो बना कर दूँ, ठीक है। और अभी जो है हम चलिए चलते हैं और डीप फ्रीज के बारे में जानते हैं, जैसे कि ये पीछे डीप फ्रीज लगा हुआ है मेरा, तो उसका सेटिंग क्या होता है कोल्ड ड्रिंक के लिए और पानी के बॉटल के लिए, और जो है सेटिंग मतलब कि 1, 2, 3 पे क्या है, 4, 5, 6 पे क्या है, 7 और सुपर पे क्या है। तो अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं कि इसका डीप फ्रीज का जो है टेम्परेचर हाई करके रखते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि डीप फ्रीज का हर पॉइंट का क्या क्या मतलब है और क्या नहीं है, ठीक है। तो आप हमारे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए, हम आपको जो है डीप फ्रीज के बारे में बताते हैं, चलिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं डीप फ्रीज के बारे में आपको बताते हैं। हायर का मेरा 5-स्टार रेटिंग के साथ मिलता है ये डीप फ्रीज, ठीक है। तो इसका जो है हम पहले सेटिंग बता देते हैं, सेटिंग इसका कुछ नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे 20 वाले छोटे छोटे जो कोल्ड ड्रिंक है मैं इस साइड लगा रखा हूँ जैसे तैसे, और सारा सामान इसमें बड़ा हुआ है, मतलब कि नीचे भी है ऊपर भी है, और 10 वाला पानी मैंने ये साइड में रख रखा है, जिसकी ये देख पा रहे हैं, ये यहाँ से नीचे ना यहाँ तक पूरा पानी है नीचे मेरा, ठीक है, 10 वाले जो ज़्यादा बिकती है। और यहाँ पे जो है नॉर्मल टेट्रा पैक रखा है नीचे में जैसे कि देख पा रहे हैं, और इधर नॉर्मल है, और ऊपर में भी आप कुछ रख सकते हो चॉकलेट वगैरह, अभी चॉकलेट जो है यहाँ पे हम रखेंगे थोड़ी देर के बाद, तो आगे हम दिखाते हैं आपको। जैसे कि ये देख पा रहे हो पानी की सेलिंग, पानी जो है सबसे ज़्यादा बिकते हैं, तो मैं पानी को बहुत ज़्यादा में सेलिंग होते हैं, तो इसका जो है भर के रखते हैं यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा क्वान्टिटी में। और अगर आपको 2 लीटर का जैसे कि स्प्राइट, थम्सअप, कोक जो भी रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हो 2 लीटर 1 लीटर का, जैसे कि यहाँ पे 2 लीटर का रख दीजिए, ठीक है भाई। और अगर आपको और रखना है ऊपर तक तो आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है, ऐसे एक ऐसे हो गया, फिर यहाँ पे रख दिए, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, ठीक है। फिर जो यहाँ पे बचेगा स्पेस उसको यहाँ पे ऐसे रख देंगे, पानी को थोड़ा आगे करके, ठीक है, पानी को हल्का सा उधर करेंगे, आपका यहाँ पे जो है 2 लीटर का भी आ जाएगा, तो आप ऐसे करके रख सकते हो, ठीक है भाई, यहाँ तक आ जाएगा। तो हम जो है जिसके सेटिंग से करना चाहोगे कभी सेटिंग होगा नहीं, बिगड़ जाएगा, जैसे कि हम नॉर्मली जैसे अपना अपना तरीका होता है रखने का वो आप रख सकते हो, तो इसका कोई सेटिंग नहीं है कोल्ड ड्रिंक रखने का फिलहाल। जैसे कि मेरा ये जो है टेम्परेचर देख पा रहे हो नॉर्मल बर्फ आ रहा है, ये फ्रोजन कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो है मेरा सुपर फ्रोजन कर रहा है, मैं आपको सेटिंग दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि हमारा सेटिंग जो है मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार, ये देखिए मेरा सेटिंग जो है अभी कितने पे आप देख पा रहे हो, 1, 2, 3, ठीक है, 3 पे, जैसे कि ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट ये 3 पे, इसलिए 3 पे है क्योंकि ये जो है ज़्यादा मतलब कि पानी को मेंटेन रखेगा अपने टेम्परेचर के रूप में, और न इसको फ्रोज होने देगा न इसको पूरा बर्फ जमने देगा, इसमें पूरा चिल्ड रखेगा पानी, ठीक है। तो ये जो है अधिकतर क्या करते हैं इसको सुपर पे रख देते हैं, तो नहीं सुपर पे क्या है गाइस कि आप आइसक्रीम रख सकते हो सुपर पे, सुपर पे सिर्फ आइसक्रीम के लिए सुपर पे रखते हैं, तो क्योंकि आइसक्रीम जो है पूरे हार्ड और पूरा ज़्यादा चिल्ड चाहिए उसको, क्योंकि पूरा 7 पे कर देंगे सुपर पे कर देंगे तो इसमें क्या है बर्फ जम जाएगा पूरे अंदर में, बर्फ जमने के बाद क्या है आइसक्रीम मेंटेन रहेगा अपने टेम्परेचर में। और ये जो है 4, 5, 6 ये फ्रोजन के लिए, जैसे कि आप नॉर्मल वाटर रखोगे तो उसमें हल्का हल्का जिसे बाहर जब निकालोगे पानी की बॉटल तो उसमें बर्फ जम जाएगा, फ्रोज कर देगा पूरा, और फ्रिज के बाहर निकालते ही हल्का सेक करोगे पानी का बॉटल तो वो जो है पूरा बर्फ जम जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको होल्डिंग वाटर रखना है और चिल्ड रखना है पूरा तो 1, 2, 3 पे ही रखना है, जैसे कि मौसम के अनुसार 1, 2, 3 पे रखोगे, हम तो अभी 3 पे रखे क्योंकि गर्मी का मौसम है, और सर्दी के मौसम में आप 1 पे रख सकते हो 2 पे रख सकते हो, ठीक है। 4, 5, 6 पे फ्रोजन के लिए है तो हम 4, 5, 6 पे नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये गलती आप लोग मत करना, क्योंकि ये जो है डीप फ्रीज आइसक्रीम के लिए भी है और कोल्ड ड्रिंक के लिए, तो आइसक्रीम के लिए रखना है तो आप 6, 7 पे रख सकते हो, सुपर पे रख सकते हो, ठीक है भाई।
तो अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए डीप फ्रीज के बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और जो है हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, हम आपके लिए वीडियो और भी बना देंगे अगर और भी जानकारी चाहिए तो, ठीक है। तो चलिए हम यहीं पे ब्लॉग समाप्त करते हैं। थैंक यू ब्लॉग देखने के लिए, और आपको नए वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है, सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए।